मेट्रोनिडाजोल जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर है, मेट्रोजिल नाम से, फ्रेजिल नाम से, जो कि बहुत सारे इन्फेक्शंस को रोकने में कामयाब है। डायरिया में अक्सर आपने देखा होगा, पेट से जुड़ी समस्या आपको ही होगी, डॉक्टर ने आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया होगा। आइए आज जानते हैं कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कितना इसका डोज दिया जाता है, और साथ ही साथ कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयंत आज बात करूंगा मेट्रोनिडाजोल बात करें दोस्तों वीडियो को दोस्तों सबसे पहली बात वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसमें दी गई कोई भी जानकारी आपसे रह ना जाए, और वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, विद इन 24 आवर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों मेट्रोनिडाजोल के बारे में बात करें दोस्तों, ये जो हमारी मेट्रोनिडाजोल है जो 400 mg के फॉर्म में आती है, ये आपकी एक तरीके की आपका जो है नाइट्रोइमिडाजोल क्लास से बिलोंग करता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में दोस्तों कामयाब है। ये जो दुकान में साधारण सी मेट्रोनिडाजोल मिलने वाली टैबलेट है, ये दोस्तों हमारे बहुत सारे इन्फेक्शन को रोकती है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर किसी तरीके का दोस्तों हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया, बोन इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, उसको भी ये ठीक करता है। वहीं आपने देखा होगा कई बार बहुत सारी पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कि अगर किसी को दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हुआ है, जो कि कॉज करता है आपकी एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है एच पाइलोरी, जिसको पूरा हम लोग बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये दोस्तों इसमें भी आपका जो है मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल किया जाता है। खाली मेट्रोनिडाजोल नहीं इस्तेमाल किया जाता है, और भी दवाइयों के साथ हम इसका इस्तेमाल उसमें करते हैं। और अगर किसी को एक्यूट डायरिया हो गया है, एकदम से डायरिया हो गया है, आपने कुछ बाहर का खा लिया है, कभी कभी होता है कि बाहर हम गए हैं कहीं भी रोड स्ट्रीट पे ठेले पे खड़े होके या फिर किसी दुकान से मीठा लेके कुछ खा लिया है, तो भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमको जो है दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर ही पेट से जो है अगले 24 घंटे के अंदर ही दोस्तों लैट्रिन आना शुरू हो जाती है, डायरिया लूज मोशन होने लगते हैं, तो ऐसे केस में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं। साथ ही साथ ये जो मेट्रोनिडाजोल है, ये दोस्तों बहुत सारे इन्फेक्शंस में काम किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बहुत सारे पैरासाइट के इन्फेक्शंस में। जैसे कि महिलाओं में दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि एक बैक्टीरिया है जिसको हम एक पैरासाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोमोनास के इन्फेक्शन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि अक्सर कॉज करता है मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से, जैसे कि इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एक तरीके का STI है, मतलब कि सेक्चुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये जो ट्राइकोमोनास है ये महिलाओं के वेजाइना में दोस्तों कॉज करता है इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ऐसे केस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ये जो मेट्रोनिडाजोल है ये सिर्फ महिला को ही नहीं खिलाया जाता है ऐसे केस में उसके पार्टनर को भी खिलाया जाता है, क्यों, ताकि वो पार्टनर किसी और को दोबारा से ये आपका जो है वेजाइनलिस कॉज ना कर सके, इसलिए ऐसा अक्सर हमेशा दोनों पार्टनर को ट्रीट करना जरूरी होता है। इसके अलावा ये जो आपकी मेट्रोनिडाजोल है दोस्तों, ये इसका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत सारे दिमाग में भी, अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है प्रोटोजोआ की वजह से तो वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल का इसका इस्तेमाल हम करते हैं अगर किसी तरीके का किसी को दांतों में इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आजकल की महिलाओं में ऐसा देखा जा रहा है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो कि कॉमन है, जिसमें बहुत सारे इन्फेक्शन आते हैं, ऐसे केसेस इसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे इंटेस्टाइन यानी कि आंतों से जुड़े इन्फेक्शन होते हैं, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एमीबा का इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जियाडिया लैमिना नाम का एक प्रोटोजोआ है दोस्तों, उसके इन्फेक्शंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मन में ये आएगा यार ये डॉक्टर मुझे क्या बता रहा है, एमीबा और आपका जियाडिया लैमिना, ये दोस्तों दोनों ही एक तरीके के प्रोटोजोआ हैं जो कि आपको डायरिया के सिम्टम्स को कॉज कर सकते हैं, ऐसे केस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है मैंने जो आपको सिम्टम्स बताए, मैंने जो आपको बीमारी बताई, इसके अलावा भी आपके डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के बहुत सारे यूज हैं। प्रैक्टिस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि मरीज को कौन सी दवा देनी है। बात करेंगे इसके डोज की, जैसा कि मैंने बताया कि ये 400 mg के फॉर्म में आती है, कि अलग अलग डोज होता है। कॉमनली इसका इस्तेमाल 400 mg सुबह दोपहर शाम किया जाता है। अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो हो सकता है आपके डॉक्टर इसका डोज बढ़ा सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम डोज होता है दोस्तों 2000 mg यानी कि 2000 mg यानी कि 2 ग्राम आपका जो है 24 घंटे में दिया जाता है।
बात करेंगे मेट्रोनिडाजोल के साइड इफेक्ट की। दोस्तों कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी हो जाने जैसे समस्या देखने को मिल सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पेट में कोई गुड़गुड़ाहट सी महसूस हो, आपका पेट में पेट फूलने जैसी समस्या हो, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे लीवर से जुड़ी समस्या है, ऐसे लोगों को मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही सीवियर लीवर इन्फेक्शन, लीवर डिजीज से पीड़ित हैं, तो आपको दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वो लोग जिनको मेट्रोनिडाजोल से पहले से ही हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए दवाइयाँ लेने से। और ऐसे लोग जिनकी पहले से ही नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या है, जिनको पहले से ही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे लोगों को दोस्तों इससे बचना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बात की कि क्या है मेट्रोनिडाजोल, कहाँ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लाइव वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वीडियो देख के कोई भी दवा अपना ले, क्योंकि वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको आप तक जानकारी पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।